कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कोविड-19 से भी बहुत अच्छी तरीके से उबर रहे होंगे और सेफ होंगे। अब मैं बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ कि सब लोग इस तरीके की पैंडेमिक सिचुएशन से जल्दी बाहर आ जाएं और बेटर होगा कि बहुत जल्दी रिकवरी भी हो जाए। तो चलिए आज कुछ अच्छा बनाते हैं, टेस्टी स्नैक्स में हम बनाते हैं आज दल भरी टाइप की कुछ रेसिपी। तो मैंने कुछ अलग दिखाई आपको कैसे बनाना है हमें। तो मैंने ये ली है हमारे चने की दाल जो कि ग्राम सेल्स होती हैं, और इनको मैंने 3-4 घंटे के लिए पानी पर भिगो दिया था। पानी में भिगोने के बाद इसे धुल लिया है और वॉश करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। 7-8 मैंने गार्लिक्स ले ली हैं, 4-5 मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये सारे मसाले और कुछ और इंग्रेडिएंट्स जिनको हम ग्राइंड करेंगे। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं बनाने के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ, प्लीज़ अपने हाथों को ज़रूर वॉश करिएगा और सैनिटाइज़ वगैरह कर लीजिएगा अगर बाहर से कोई भी सामान लेकर आते हैं तो। तो 1 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है इसमें, और उसके बाद मैं इसमें 1 और चम्मच जीरा ऐड कर देती हूँ। तकरीबन 2 चम्मच के लगभग जीरा डाल देते हैं। दाल की क्वांटिटी जो मैंने ली है वो तकरीबन 500 ग्राम के लगभग ही है, 450 होगी, तो इसके अकॉर्डिंग डाल रहे हैं। 2 चम्मच के लगभग मैंने इसमें सौंफ ऐड कर दी है, पतली वाली सौंफ। आप कोई भी सौंफ ऐड कर सकते हैं, मोटी वाली भी। और इस सौंफ और जीरा को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं तकरीबन 10 से 15 दाने आपके ब्लैक पेपर जो कि काली मिर्च है। काली मिर्च टेस्ट को इन्हांस करेगी, थोड़ा सा गर्म मसाला का लुक लेके आएगी, दैट्स व्हाई हम इसमें डाल रहे हैं। थोड़ी सी मैंने हींग डाली है, हींग इज़ टोटली ऑप्शनल, आपकी मर्ज़ी है। और इसमें मैंने 2 चम्मच के लगभग, बहुत छोटा सा टेबल स्पून पर 2 चम्मच के लगभग इसमें अजवाइन डाली है। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स को हम डाल देते हैं और इसे अब हम करने चलते हैं ग्राइंड। तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा था वो भी मैंने डाल दिया है, पैकेट की रबड़ गिर गई थी इस पर तो वो मैंने हटा दी है। तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया, आपको जितना पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं ग्राइंड करने के लिए, बट प्याज इज़ टोटली ऑप्शनल, ज़्यादा दिनों तक आप स्टोर नहीं कर सकते इसलिए हमने प्याज को ऑफ नहीं किया हुआ है। आप इस नाश्ते को 3-4 दिन तक रख सकते हैं, आराम से बनाकर खा सकते हैं। तो मैंने पानी को अच्छी तरीके से बॉईल करने के लिए रख दिया है, जो दाल का ग्राइंडर जार में पानी लगा हुआ था उसी में पानी डालकर साफ़ कर लिया। और एक कढ़ाई में पानी डालकर उसमें थोड़ा सा तकरीबन आधा लीटर तक मैंने पानी डाला था, और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया था और उसको रख दिया है गर्म होने के लिए ढक के, ताकि वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। पानी जैसे ही बॉयल होगा उसके बाद ही बनेगा ये। और दाल में मैंने सॉल्ट ऐड कर लिया है और अब मैं मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन 2 चम्मच सॉल्ट डाल दिया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट डालिए, उसकी अच्छे तरीके से डालिए। और दाल में तभी सॉल्ट डालिएगा जब आपको एकदम रेडी होकर बनाना हो तभी। तो अभी मैंने छोटी छोटी व्हीट फ्लोर लिया था, नॉर्मल गेहूं का आटा, और उसको गूंथ लिया था और एकदम नॉर्मल तरीके से छोटी छोटी पूड़ियाँ बना ली थी, और उसमें उन पूड़ियों में मैंने स्टफ़ भर दिया। और अब इसमें मैं दबा कर इसे अच्छी तरीके से पैक कर दूंगी ताकि ये पकने के लिए रेडी हो जाए। इनके से अगर आपको लगता है कि ये स्टिकी कम है, दबा नहीं पा रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट भी लगा सकते हैं जहाँ साइड में आप दबा रहे हैं। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ किस तरीके से आपको लगाना है। और इसको इस तरीके से गुजिए के शेप में ही आप बना सकते हैं, आप इसका कोई भी शेप चूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी कम्फर्टेबल लगे। मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस रखने हैं, दैट्स वाई मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा पीस दिया है। इसको मैं हाफ़ कट कर दूँगी तो ये थोड़े बड़े ही रहेंगे, इसलिए ऑप्शन है, आप कोई भी पीसेस में बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से आप बना सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आप रख सकते हैं। तो अभी मैं दाल में डाल रही हूँ, और पूड़ी में दाल थोड़ा सा, मतलब आटे की लोई लेकर उसमें मैंने दाल इस तरीके से भर दी। आप चम्मच से भी भर सकते हैं, एक्चुअली थोड़ी सी दाल स्टिकी होगी सो दैट्स वाई ये बंद करना ईजी नहीं होगा, इसलिए हम हाथों से ही भर रहे हैं फॉर्मल तरीके से पानी लेने के बाद। और मैंने इस तरीके से रोटी पे लगा दिया थोड़ा सा पानी, और लोई में लगाने के बाद पानी अब मैं इसको रख चुकी हूँ। अब मैं इसमें, पानी हमारा बॉयल हो चुका था, गर्म हो गया, तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसे खौलाया अच्छी तरीके से। मैंने धीमे आँच पर डाला था क्योंकि बनाने में टाइम लग रहा था। आप गैस के अच्छे फ्लो में भी, तेज़ फ्लो में भी इसे गरमा सकते हैं, और जैसे ही इसमें बॉयल आने लग जाए और अच्छी तरीके से इसमें बबल्स निकलने लग जाएं तो आप उसमें ऐड कर दीजिएगा वो जो हमने बनाकर रखे हुए थे दाल के परे। दाल के परों को जब आप ऐड कर देंगे तो वो पकाना हमें बॉयल्ड वाटर में ही है, तो ध्यान रहे कि आप धीरे धीरे डालिएगा ताकि आपके ऊपर भी ड्रॉपलेट्स ना पड़े और आपको भी गैस से बचने की पूरी सेफ्टी रखने से ही अपने साथ। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ आप इसे साइड से डालते जाइए, और उतना ही डालिए जितना आप इसमें एक बार में पका सकते हो और आपको स्टिर करने में ईजी हो, आप देख रहे ना। और बहुत ही सॉफ्ट हैंडेड तरीके से इसे हमें स्टिर करना है। तो एक तो तरीका है कि आप इसे इस तरीके से पका लीजिए वाटर में ही डालकर, जिससे आपकी दाल भी अच्छे तरीके से पक जाए प्लस आपका आटा भी पक जाए।
और इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा मैसी तरीका हो रहा है, तो यू कैन यूज़ कि जैसे हम मोमोज को पकाते हैं कि जैसे हमने किसी बर्तन में पानी गर्म किया, उसके ऊपर एक जाली वाली कोई भी प्लेट रख दी और उसके ऊपर हमने रख दिया, तो ये भाप से पकेंगे। भाप से पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा बिकॉज़ इनके अंदर भी स्टफ़ भरा हुआ है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। बट हाँ, वो भी एक अच्छा तरीका है, उसमें आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इनको निकालने के बाद इनको फ्राई भी करेंगे, आप ऐसे भी खा सकते हैं बट इनको फ्राई भी करेंगे। 3 से 4 मिनट मैंने ढक के रख दिया था और अब मैं देखती हूँ चेक करने के लिए पका है कि नहीं पका, तो मैं इसको थोड़ा सा नेल्स से दबा कर देखती हूँ। नेल्स को साफ रखिएगा, अगर आप नेल्स को दबा कर चेक करें, अदरवाइज़ आप स्पून को भी दबा कर चेक कर सकते हैं। नेल्स को दबा के चेक करने का एक बेस्ट तरीका ये होता है क्योंकि नेल्स में ज़्यादा तेज़ अगर आटा कच्चा होता है तो वो पता चल जाता है देख के ही, अदरवाइज़ ये देख कर भी पता चलेगा कि आटे का जो एक ऊपर का लेयर होगा सॉफ्ट स्किन सा, वो फूला फूला खुद ही दिखेगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये पक चुका है। देख रहे हैं ना आप इस तरीके से। तो अभी इन सारी को प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा करने के लिए। एक एक करके अलग अलग कर लिया, फिर इनको मैंने हाफ़ पीसेस में डिवाइड कर दिया है। ये सारे फ़ैन के नीचे रख दिए मैंने, ठंडा हो जाए, आप नॉर्मल टेम्परेचर से इसको रखिए। ठंडा होने के बाद आप इसे इस तरीके से कट कर सकते हैं, दो दो पीसेस में, आप चाहें तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप बड़ा भी रख सकते हैं। मैं ये पीसेस थोड़े ज़्यादा बड़े हो रहे थे, कम्फर्टेबल नाश्ता नहीं बन रहा था, दैट्स व्हाई मैंने इसको दो पीसेस में डिवाइड कर दिया है। अब ये दो पीसेस में डिवाइड हो चुके हैं और अब मैं सारों को ऐसे ही कट कर लूँगी, और तब तक मैं अब कढ़ाई चढ़ाती हूँ उसको थोड़ा सा फ्राई करने के लिए। तो कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम के साथ, और तकरीबन इसमें 5 बड़े टेबलस्पून के लगभग इसमें मैंने ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल, जीरा डाला मैंने 1 बड़ा चम्मच, और क्यूमिन सीड्स डालने के बाद मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ 3-4 कटी हुई चॉप्ड, थोड़ा सा छोटा छोटा काटिएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। और इसमें मैंने 1/2 टेबलस्पून के लगभग इसमें मैंने हींग ऐड कर दी। हींग इज टोटली ऑप्शनल, हम हर खाने में हींग डालते हैं बिकॉज इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, यमी लगता है, दैट्स वाई। तो अभी ये हमारे मिर्ची जो है और हींग जो है वो थोड़ा सा पक रही है, पक जाए थोड़ा सा उनमें अलग सा टेस्ट है। वैसे ही एक टेबलस्पून के लगभग आप टर्मरिक पाउडर इसमें ऐड कर दीजिएगा, और उसके बाद जो हमने बनाए हुए थे दाल के परे अपने, काट के इनको ड्राई कर लिया था पैन के नीचे, और उसके बाद हमने इसे डाल दिए हैं। तो अब इसे धीरे धीरे हल्का सा भूनना है हमें स्टर करते हुए। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दिया, और अब मैं इसे बहुत ही सॉफ्ट हैंडेड तरीके से स्टिर करूँगी ताकि इसका जो भी मसाला इंग्रेडिएंट स्टफ जो हमने भर रखा है वो निकल कर बाहर ना आ जाए, बिकॉज टेस्ट तो उसी से ही अच्छा लगेगा देखने में। और इसको थोड़ा क्रिस्पी करने तक, हमें गोल्डन ब्राउन करने तक इसे थोड़ा थोड़ा स्टिर करना है, भूनना है, मसाले मिक्स हो जाएं, फ्लेवर आ जाए इसका बहुत अच्छा निकल कर, उस तब तक हमें मिक्स करना है इसे। तो हम स्टिर करते हैं, तो अब हम स्टिर करेंगे जब तक हमें ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हम एक काम कर लेते हैं कि स्टिर करते करते ही प्लेटिंग करने के लिए भी रेडी कर लेते हैं इसे। और उससे पहले हम रेडी कर लेते हैं अपना रोस्टेड जीरा पाउडर, और हमारे पास चाट मसाला अगर है तो वो भी डाल सकते हैं। तो अभी हम वो निकाल लेते हैं और इसको स्टिर भी कर रहे हैं। स्टिर कर लीजिए इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट, ये अपने आप थोड़ा सा फ्लेवर छोड़ने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। आप इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते थे, तो मैंने इतना ही सिंपल बनाया है इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के लगभग रोस्टेड क्यूमिन सीड्स डाल दिए हैं, जो कि आप घर पर बना सकते हैं। जीरा को आप भूनिए गैस पर थोड़ा सा हल्की धीमी आँच पर बिना ऑयल के, और उसे ग्राइंड कर लीजिए, वो भी जीरा पाउडर हमारे घर में काम आ सकता है अच्छी तरीके से। और मेरे पास थोड़ा सा चाट मसाला भी रखा हुआ था क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत ही यमी आता है अगर आप किसी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, सो इस वजह से चाट मसाला भी मैंने इस्तेमाल कर लिया है। ये थोड़ा सा बारिश का मौसम है इस वजह से थोड़ा सा स्टिकी सा हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ ही ऐसी स्टिकी से हो जा रही है इस टाइम पर, तो इसलिए ऐसा हो गया है। तो अब ये अच्छी तरीके से मिला लीजिए पाउडर फॉर्म में इसको, और मिलाने के बाद इनका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए अब इनमें धनिया पत्ती भी आप डाल के सर्व कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी प्लेट पे सर्व कर सकते हैं सॉस के साथ। और इसमें थोड़ा सा 1/2 टेबलस्पून के लगभग रेड चिली पाउडर ऐड कर दीजिए, बिकॉज ग्रीन चिली मैंने ज़्यादा नहीं डाली थी, दैट्स वाई। अगर आप नहीं खाते तो आप रेड चिली भी ऑप्शनल है, नहीं भी ऐड करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो अब हमारी प्लेटिंग बनके रेडी हो चुकी है, आप देख रहे हैं रेड ग्रीन चिली सॉस के साथ ये क्या ही यमी और उम्दा लगेगा। आपके पास एक और ऑप्शन है, चाय रख लीजिए साथ में गरम गरम, जो मज़े आएंगे ना खाने के इस टेस्टी नाश्ते को, मतलब आप भूल जाएंगे दुनिया की सारी चीज़ों को, और इसे 2-3 दिनों तक बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करने के बाद कॉमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कैसे लगा, बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।